नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के प्ले ऑफ के लिए जो बॉटम चार है, यानी कि जो नीचे की चार टीम फिलहाल मौजूद है, वो लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, कितने में से कितने मैच जीतने पड़ेंगे ताकि वो लोग प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाए, इसको लेके इस वीडियो में सारी बातचीत करेंगे। तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आप सभी को हर एक मैच की रिपोर्ट चाहिए, यानी कि आज कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, क्या होने वाला है टॉस रिपोर्ट, क्या रहेगा मैच सेशन, तो भाई आपके स्क्रीन पे जो है भाई हमारे सिकंदर भाई का नंबर हो रहा है शो। आप लोग जो है इनसे व्हाट्सएप पे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे मतलब पूछ सकते हो भाई आज कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग इनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको इनका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बात करते हैं हम लोग सिनेरियो की। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो फिलहाल अभी इस वक्त बॉटम चार टीम है वो कौन कौन सी है। राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, पंजाब और हैदराबाद, ये फिलहाल जो है बॉटम चार की टीम है। अब ये चार टीम को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि भाई ये लोग क्वालिफाई कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रॉयल्स की। भाई अभी जो है फिलहाल राजस्थान रॉयल्स के बचे हुए हैं टोटल 6 मैच, यानी कि जो है अभी इनको और 6 मैच खेलना है आईपीएल 2021 में। अगर इनको भाई क्वालिफाई करना है तब 6 में से जो है रॉयल्स की टीम को ऑलमोस्ट लगभग 4 मैच तो कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा, तब ये लोग के चांसेस बनते हैं। अगर ये लोग 4 मैच नहीं जीत पाते हैं तब ये जो है ऑटोमेटिकली जो है मतलब कि बाहर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सेकेंड बात करते हैं केकेआर की। केकेआर की टीम के जो है फिलहाल 6 मैचेस बचे हैं और कोलकाता की टीम को जो है 6 में से लगभग टोटल 5 मैच तो जीतने पड़ेंगे कैसे भी करके, और देख के लग रहा है कि केकेआर की टीम थोड़ी सी फॉर्म में भी दिखाई दे रही है। वहीं जो है ना दिक्कत है फिलहाल 2 टीम्स के लिए, वो है पंजाब और हैदराबाद। पंजाब किंग्स के जो है भाई ये ऐसी टीम है जो कि हमेशा लगता है कि जीत जाएगी वन साइडेड, लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ होता है कि ये लोग हार जाते हैं। कल हमने देखा भाई किस तरीके से राहुल और मयंक खेल रहे थे, लगा भाई वन साइड जीत जाएंगे लेकिन लास्ट में जो है पंजाब हार गई। हमेशा जो है इनके साथ ही ऐसा होता है। पंजाब के जो है फिलहाल 5 मैच बचे हैं और अगर पंजाब को भाई क्वालिफाई करना है तो 5 में से जो है 5ों मैच पंजाब को जीतने ही पड़ेंगे। अगर एक भी मैच पंजाब की टीम अभी से हारती है तब वो डायरेक्ट प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी ऑलमोस्ट। वहीं जो है हैदराबाद के लिए भाई दिक्कत और बड़ी है। इनके लिए दिक्कत क्या बड़ी है, फिलहाल हैदराबाद के टोटल 7 मैचेस बचे हैं और हैदराबाद को जो है 7 में से 7ों मैच जीतने पड़ेंगे तब जाके ये प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे। तो भाई अगर अभी से हैदराबाद एक भी मैच हारती है तब उनके प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे। तो हालांकि जो है सिर्फ एक सिनेरियो है। अगर मान लीजिए जो फिलहाल टॉप की 4 टीम है, मुंबई, दिल्ली, आरसीबी और चेन्नई, ये जो है जो टॉप की 4 टीम है, अगर ये लोग लगातार अपने मैचेस हारते हैं तब जो बॉटम 4 की टीम रहेगी इनके भी जो है क्वालिफाई करने के जो सिनेरियो है उसमें भी कुछ बदलाव तो आएगा ही। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया ये भाई करंट सिनेरियो, अगर ऐसा ही चलता रहा पॉइंट टेबल तब ये बॉटम 4 टीम को इतने मैचेस जीतने पड़ेंगे तब जाके ये क्वालिफाई कर पाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है सिनेरियो। ये आपको मैंने बता दिया। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।